फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट्स। पजल मैरिज एंड हेस्टेड ब्राइड के पार्ट 4 में मैं आपके साथ जो स्टोरी लाइन शेयर करने वाली हूँ, एक उसका छोटा सा ट्रेलर है। जब वांग जी को पता चलता है कि उसके लिए वेंग का नहीं बल्कि जियांग चेंग का मैरिज प्रपोजल आया है, तो एक बार वेंग से बात करना चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि जैसे वो वेंग के लिए फ़ील करता है, क्या वेंग भी उसके लिए सेम फीलिंग रखता है, इसलिए वो वेंग से मिलने जाता है। तभी वो वेंग को किसी से बात करते हुए सुनता है कि मैं वांग जी को पसंद नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ब्रदर इन लॉ है। ये सुनकर वांग जी को बहुत हर्ट होता है और वो अपने क्लान के रेपुटेशन के लिए जियांग चेंग से शादी करने के लिए मान जाता है। इसके बाद जियांग चेंग और वांग जी की शादी हो जाती है, पर वांग जी अभी भी वेंग को पसंद करता था और जियांग चेंग भी अभी तक जे वुजुन को नहीं भूल पाया था। तो फ्रेंड्स, इसके आगे स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पजल मैरिज एंड हेस्टेड ब्राइड। और अगर आपको इस स्टोरी की स्टोरी लाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।